जीत टीम इंडिया की लगातार आठ आज...

वर्सेस साउथ अफ्रीका दी टेबल टॉपर्स वर इन कॉन्टेस्ट में टी चतर मगर कॉन्टेस्ट ये क्या कॉन्टेस्ट हुआ यार इंडिया इज टोटली अनस्टॉपेबल टोटली अनस्टॉप अनस्टॉपेबल 243 रन से जीत हासिल की आज इंडिया ने वर्सेस दिस साउथ अफ्रीका जिस साउथ अफ्रीका को हराना मुश्किल जिस साउथ अफ्रीका को हैंडल करना मुश्किल आज की परफॉर्मेंस के क्या कहने और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक हो उसने साबित किया है कि वो दुनिया की आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं ही इज ऑन टॉप ऑफर टॉप ऑफ दैडर देट गाइज आई मीन आज की जो विकेट थी वो इतनी आसान नहीं थी टीवन टॉस जीत के भी कल इंडिया अपना पहला मैच हारेगा इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका प्रोटियाज रेनबो नेशन आपको हराएंगे मैं भी ये मेरी प्रोटियान है अफ्रीका जीत जाएगा वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं अच्छा। वो इंडिया को टफ देगा इंशाल्लाह वो विन कर जाएंगे और पहली हार ही इंडिया को ना अफ्रीका ही देगी इंशाल्लाह इनशाला इंडिया जो है वो अपने घर में खुद फील्ड बना के खेलता है और वो उसका ख्वाब यही है कि मेरे घर में मैच हो रहा है तो सारे मैच मैं ही जीतू क्लीन स्वीप करूँ और जो है उनका दो नंबर ही करने का तरीका है आई एम सॉरी इंडियन फैंस ये देखे मेरे हाथ है मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे मात्र चाहता हूँ बट uh, कोहली की ग्रेटनेस में कोई शक ही नहीं है जितना बड़ा वो खिलाड़ी है इसीलिए वो किंग कहलाता है और किंग hmm. उसी ही कहलाना चाहिए जो अपनी टीम को जितवाता रहे जो मुश्किल वक्त में आकर रंस बनाता रहे so, so, I, वो आप लोग कहते हैं जी किंग कोहली इज नॉट अ किंग

बड़ा हॉस्टाइल बॉलिंग अटैक सवेरा ऐसा बॉलिंग अटैक कोई भी ड्रीम होगा किसी भी कप्तान के लिए इतनी डोमिनेंस किसी भी टीम को इन्होंने नहीं छोड़ा आज आठवां मुकाबला आठ विक्ट्री सबसे अवेटेड मुकाबला इंडिया साउथ अफ्रीका सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप को आज क्रंबल कर दिया और उन निकालो सारों को बाहर जो बोल रहे थे विराट कोहली ने सेल्फिश इनिंग्स खेली है बेटा मैंने आपको बोला था इंतजार कीजिए बड़ो से बहस नहीं करते हैं इंतजार कीजिए सेकंड इनिंग्स को कंक्लूड होने का दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा सो जलने वालों के लिए और मिर्चें मिर्चे इंडिया थ्री से तो जीता ही जीता लेकिन विराट कोहली की जो सेंचुरी थी वो तो फोर्टी नाइन्थ सेंचुरी को जो फीका करना चाह रहे थे सेल्फिश सेल्फिश का टैग लगा के दूध का और पानी दोनों की मिलावट और दोनों को भाव सारे बच्चों को अच्छे बच्चों को पता चल चुका होगा सो देखें जी विराट कोहली से जलना मत बंद कर दीजिए क्योंकि कोई फायदा बल्कि काम करें आप लोग जलते रहें क्योंकि आप लोग जलते रहते हैं उसकी हंगर बढ़ती रहती है और वो खामोशी से एक के बाद एक अभी तो आपने सेंचुरी भी देखनी है अभी कुछ अगले तीन चार मैचों दो तीन, तीन मैचों दो तीन तीन मैचों के अंदर पॉसिबिलिटी है तो अभी फिफ्टियतिया सेंचुरी के लिए भी रुके हैं अभी तो आप लोगों ने और जलना है लेकिन सवेरा किसी भी कप्तान के पास जब इस किस्म की बॉलिंग अटैक होगा क्या जज्बा है सवेरा क्या ग्रिट है क्या रिजिलियंस है क्या एनर्जी है क्या पैशन है एंड देर इज अ मेथड टू देयर मैडनेस यार रोहित शर्मा का क्या अबे ये की तो बल्लेबाज है ले लो बेन स्टोक्स का रिव्यू क्या क्या एनर्जी है और ये टीम को देखने में मजा आ रहा है अब जो इंडिया वाले हैं मैं तो उनसे थोड़ा सा जेलस हूं कि अगर मेरी होम टीम ऐसा खेल रही होती तो होम फैंस को इस वक्त जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट तो हम रिलेट भी नहीं कर सकते तो इस वक्त तो मैं थोड़ा सा इंडियन फैंस से जेलस हूँ अपने सारे भाई और बहनों से क्योंकि इनकी टीम सवेरा सिर्फ खतरनाक क्रिकेट नहीं खेल रही आइकॉनिक क्रिकेट खेल रही है डोमिनेंट क्रिकेट no, खेल रही है, और ऐसी क्रिकेट खेल रही है कि जलने वाले जितना जलते रहे आर शटिंग एवरी वन डाउन गेम आफ्टर गेम और इंडिया की बॉलिंग की खासियत एक आज आपको बता दूं कि पावर प्ले में आज हिलने नहीं दिया इन्होंने साउथ अफ्रीका को लेकिन आठ मुकाबलों में आज इफ यू गो बैक टू द पाकिस्तान मैच तो पाकिस्तान का पावर प्ले काफी था बाकी टीमों के मुकाबलों में सो आप खुद सोच लें जो टीम 155 कुछ पे आउट हो गई वो सौ इनफ लग रही थी इन्होंने बाकियों के साथ क्या किया है और आज साउथ अफ्रीका के साथ मतलब साउथ अफ्रीका जितनी डोमिनेंस उन्होंने आठ गेमों में दिखाई थी सवेरा वो तेल हो गई आज के एक मैच में टीम इंडिया इज नॉट अनस्टॉपेबल इज एन अंडर दिस टीम इज ऑन अ रूट ऑफ मैडनेस Unprecedented scenes, unprecedented game plans, and what energy, what passion, what resilience, and what resolve. वन आफ्टर अनदर एक एक के बाद मैच 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 विनर 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 कभी कभी शमी मैच विनर, तो कभी मैच विनर, राज जडेजा मैच विनर तो कभी विराट मैच विनर जब एक टीम के पास मल्टीपल मैच विनर्स होते हैं सवेरा वो टीम इसी तरह धमाल मचाती है तूफान मचाती है और बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया वालों को क्योंकि इनकी टीम ने कमाल नहीं धमाल नहीं इन्होंने उधम मचाया हुआ है और अपनी परफॉर्मेंस अली क्योंकि मैं दो ऐसे वर्ल्ड क्लास हैं जो इनके साथ बैठ के मैं शो कर रही हूँ आज जब केशव महाराज ने विकट निकाल विकेट तो एक ही ली केशव महाराज महाराज ने मगर जब तीस रन दिए दस ओवर में तो वहां बैठे हुए सारे लोग यही कह रहे थे कि आज कुलदीप यादव और जडेजा का काम बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज वो उनको बहुत परचेज मिलेगी इस विकेट पे और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे टीम इंडिया की तरफ से एंड सो 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 राइट बहुत उनके बिल्कुल सही थी कि जिस तरह जो है आज बोलिंग की और दोस्तों इंडिया की टीम इस टाइम रुकने के मोड में नजर नहीं आ रही है और वर्ल्ड कप में अपने आठ में से आठ मैच इंडिया की टीम जीत चुकी है एक मैच इंडिया का बाकी है और शायद नौ में से नौ मैचेस इंडिया की टीम जीत जाएगी क्योंकि अगला मैच इंडिया का नैदरलैंड के खिलाफ है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच खेला गया वहां पर आपको मालूम है कि विराट कोहली किंग कोहली ने जो है वो उनचासवां सो बनाया ठीक है और वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है विराट कोहली का ये सेवनटी नाइन्थ जो है सेंचुरी थी विराट कोहली की अब कुछ लुच्छे बुच्छे जो लोग हैं भाई साहब जिनसे इंडिया की जीत बर्दाश्त नहीं होती है या विराट कोहली की सेंचुरी बर्दाश्त नहीं होती है वो तो ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं कोई कह रहा है कि भाई साहब विराट कोहली आउट थे और जो डीआरएस में जो है वो चीटिंग की गई है कोई कह रहा है भाई साहब इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको जो है न्यू बॉल दिया जाता है कोई जो है स्पेशल बॉल दिया जाता है इनके ऐसी बहुत सारी चवलें मारी जा रही हैं लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग लेजेंड्स हैं भाई साहब चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो इंडिया से हैं जो इस गेम की रिस्पेक्ट करते हैं और जिन्होंने अपने ज़माने में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है वो सारे के सारे इस टाइम इंडिया की टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और साथ में विराट कोहली को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो फिर ऐसे लुच्चे बुच्चे लोगों की बातों में तो मेरे ख्याल में ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेली ही नहीं हुई है और आजकल वैसे खबरों में रहने के लिए और रेटिंग के चक्कर में ऐसी बकवास किस्म की बातें करते हैं बहरअल विराट कोहली विराट कोहली ने आज उनचासवां सो बना के सचिन तेंडुलकर का ओडीआई में उनचास सो जो थे ना उनका जो रिकॉर्ड है उसको बराबर कर लिया है और मुझे याद आ रहा है कि सचिन तेंडुलकर ने ये बोला था एक बार एक इवेंट में कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इनमें से कोई एक जहाँ मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा और अगर इंडिया का कोई तोड़ लेता है भाई साहब तो मैं माइंड नहीं करूँगा